मोहन भी खामोश रहा। वह सरला को सोचने का टाइम देना चाहता था। वह चाहता था कि सरला को उसकी अहमियत समझ आए। अगर उसके दिल में वाकई उसके लिए प्यार है तो वह उसे समझकर उसके साथ रहने की स्वीकृति दे देगी। अगर उसे प्यार नहीं होगा तो वह मना कर देगी और मोहन एक तरफ हो सकेगा। अब आर या पार यह सोचकर मोहन ने सरला से वापस गाँव जाने की अनुमति ली और चला गया। सरला उसे जाता देखती रही। वह किसी सोच में डूबी थी। काफी देर तक वहाँ बैठे रहने के बाद वह हताश कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी बकरियाँ भी उसके पीछे पीछे चलने लगी, मानो वे उसे किसी अदृश्य डोर से बंधी हो। अपने घर आकर सरला चुपचाप गुमसुम सी बैठी रही। आज उसने खाना भी नहीं बनाया। उसको किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसे बस मोहन की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि वह उसके बगैर कैसे रहेगी। उसे उसकी आदत पड़ चुकी थी। इतने कम समय में वह मोहन से बहुत हद तक जुड़ चुकी थी। रोज उसका चेहरा देखने की उम्मीद में वह जंगल जाती थी। उसे पता था कि मोहन भी उसे पसंद करता है, परंतु उसके मन में डर भी था कि मोहन वाकई इसके प्रति गंभीर है या नहीं। कहीं वह उसे छोड़कर चला ना जाए। अगर शादी के बाद भी वह उसे छोड़कर चला गया तो वह उसका क्या बिगाड़ लेगी, उसके बगैर कैसे जिएगी। इसी सोच में रात गुजर गई। वह सुबह उठी, उसने मुंह हाथ धोया और बिना कुछ खाए पिए घर से बकरियों को लेकर निकल पड़ी। जंगल में जाकर बैठ गई और सुनी सुनी आंखों से एक तरफ ताकने लगी। कुछ ही देर में उसे मोहन आता दिखाई दिया। मोहन के चेहरे पर एक उम्मीद थी। वह आकर पास बैठ गया। सरला कुछ भी ना बोली। मोहन चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार मोहन ने ही पूछ लिया, सरला तुमने क्या फैसला लिया, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताने को तैयार हो। सरला चुपचाप शून्य में ताकती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन को दिल बैठा जा रहा था। उसने फिर अपना सवाल दोहराया। सरला ने ना में सिर हिला दिया और अपना सिर झुका लिया। मोहन ने पूछा, क्या मैं इनकार की वजह जान सकता हूँ। मोहन की आंखें भर आई थी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सरला को क्या परेशानी है। घर परिवार में उसके कोई है नहीं, वे अकेली है, मोहन भी अकेला है। परिवार में किसी के विरोध की कोई बात ही नहीं है। जो भी निर्णय करना है उन दोनों ने ही करना है। जब दोनों राजी है तो फिर परेशानी क्या है, क्यों सरला मना कर रही है। सरला ने कहा, मैं विवाह नहीं कर सकती, मुझे आजीवन अविवाहित रहना है। मेरे परिवार में जो भी विवाह करता है वह दुखी ही रहता है, उसका उसके साथी के साथ बिच्छू हो जाता है, उसे अकेले ही जीवन बिताना पड़ता है। और मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती हमारे प्रेम का ऐसा दुखद परिणाम हो। मैं चाहती हूँ तुम बहुत भरा पूरा जीवन जियो, सदा खुश रहो, इसलिए तुम अपने योग्य कोई लड़की देकर उसे विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ। मोहन ने उसकी ओर शिकायत भरी नजरों से देखा और कहा, बस इतनी ही समझ पाई हो मुझे। क्या तुम्हें लगता है मैं किसी और से विवाह कर सकता हूँ। तुमने मुझे जीवन जीने की आस दी है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत प्रेम के साथ व्यतीत होगा। हर सुख दुख में हम दोनों साथ रहेंगे। हर कठिन परिस्थिति का हम दोनों साथ सामना करेंगे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। हम अपने निर्णय खुद ले सकते हैं और ये निर्णय हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तुम हाँ कर दो ना। सरला ने जोर से सांस ली और मना कर दिया कि वे विवाह नहीं करेगी। मोहन उसे देखता ही रह गया। वे उठी और आगे चली गई। मोहन वही बैठा रहा। अब उसके पास कुछ कहने को नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सरला को क्या परेशानी है। उसने मना क्यों किया। उसने सोचा वे कल उससे फिर बात करेगा। ये सोचकर वापस चला आया। अगले दिन वे फिर जंगल गया, सरला को ढूंढता रहा। एक जगह उसने सरला को देख लिया। वे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सरला ने उसे देखा तो वे तुरंत अपनी बकरियों को लेकर दूसरी ओर निकल गई। मोहन को बुरा लगा। वह वही रुक गया और उसे जाता देखता रहा, फिर वही बैठ गया। उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे लग रहा था उसका पुराना दर्द वापस आ गया है। उसे जीने में कोई रुचि नहीं रही थी। क्या करे, सरला को कैसे समझाए। उसने सोचा कल वे फिर बात करेगा। अगले दिन भी उसने सरला को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मोहन का दिल टूट गया। उसने निर्णय किया कि अब वह सरला से कभी नहीं मिलेगा। इधर उसके साथियों की तबीयत भी सुधर चुकी थी और अब सब वापस जाना चाहते थे। एक दिन निश्चित हुआ जिस दिन उन्हें वापस अपने शहर लौटना था। जीप वाले को बोल दिया गया। दो जीप वाले उन्हें शहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। मोहन ने सरला को जाकर बता दिया कि वे वापस शहर जा रहा है। सरला का दिल तक से रह गया। उसके आंखों में आंसू बह निकले।
उसने मोहन से आंसू छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया, पर मोहन ने देख लिया और उसने सरला के कंधे पकड़ते हुए अपनी ओर घुमाया और कहा, जब तुम्हें मुझसे प्यार है, जब तुम्हें मेरी जुदाई से परेशानी है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम क्यों शादी के लिए मान नहीं जाती? सरला ने कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, मेरा यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, मैं अपने दर्द के साथ जी लूंगा। ये कहकर वे बहुत गुस्से और हताशा से भरकर वहाँ से चला गया। सरला वही बैठकर रोती रही, जाने क्या मजबूरी थी जो वह हाँ नहीं कर पा रही थी।